Hello viewers, welcome back to the channel JJ Mom Blog. How are you all? I hope all are doing good. चले फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, या फिर बोलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देख के आपको समझ ही जा चुका है कि हम फिर से एक शॉपिंग का ब्लॉग है। एक्चुअली लास्ट वीडियो और ये वीडियो दोनों एक ही दिन का वीडियो है। लास्ट वीडियो जो गया था वो सुबह के टाइम का था और ये इवनिंग के टाइम का है, और पर मैंने एक साथ नहीं दिया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाना था, इसीलिए नहीं दिया। और ऊपर से लास्ट वीडियो में मैंने अपना वॉइस नहीं दिया था। एक्चुअली मेरी गले की हालत काफ़ी ख़राब थी और लास्ट ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट भी आया था। एक्चुअली बैक टू बैक एक के बाद घर में सबकी तबीयत ख़राब होते जा रही थी और फिर मैंने वॉइस नहीं दे पाई, इसलिए गला ख़राब था। मैं बोली कोई नहीं, बिना वॉइस का देती हूँ, आप सब समझ जाओगे। तो आप सबको थैंक्स, आपने उसमें भी बहुत प्यार दिया है, सबने देखा समझा। ओके, थैंक यू फॉर ऑल जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो चलिए फिर आज मेरी बकबक के साथ ये ब्लॉग शुरू करते हैं। ये कपड़ों की शॉपिंग के लिए हम निकले थे, तो सबके लिए कपड़े लेना था, मेरे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो फिर एक 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 करते काफ़ी देर हो गया था, मैं वही सब कुछ शॉर्ट में लेके आपके लिए आ गई हूँ। आप मैं बोली मेरे साथ आप भी देख लीजिए। ब्रोनाई का एक शॉप, इसका नाम वाहू है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे गुड क्वालिटी के कपड़े, वो लोग हर चीज़ अच्छी मिल जाती है और ब्रांडेड भी होती है। ब्रांड आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड चाहिए वो भी यहाँ मिल जाता है। तो ज़्यादातर हम कपड़ों की शॉपिंग करने यही आ जाते हैं, मिल जाता है साइज़, कपड़े, क्वालिटी, सब कुछ जैसा हमें चाहिए वैसा मिल जाता है। इस शॉप से स्पेसिफिक शॉपिंग करने का जो कारण होता है वो ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म, मतलब एक ही लेयर पे आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे कपड़े मिल जाते हैं, जैसे बॉयज़ सेक्शन, गर्ल सेक्शन, किड सेक्शन, सब एक ही साथ है, एक के बाद आते जाता है, तो एक ही साथ हो जाता है, सब अपने अपने लिए चूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स के भी सामान मिल जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के कपड़े, जूते और थोड़े बहुत एक्सेसरीज जो होते हैं स्पोर्ट्स के, वो भी मिल जाते हैं। हमें अभी ज़रूरत तो नहीं है स्पोर्ट्स की, जब बच्चे बड़े होंगे, जब वो फ्यूचर में उनको लगेगा तब देखा जाएगा, लेकिन देखने में क्या बुराई है। स्पोर्ट्स सेक्शन ख़त्म करके आगे आप सबको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स है, शॉपिंग जाओ और पे क्रॉकरी सेक्शन, यूटेंसिल सेक्शन पे एक बार भटक के ना आऊँ तो मुझे शांति तो मिलनी नहीं है। तो आदत से मजबूर मैं क्रॉकरी के सेक्शन में भी और यूटेंसिल सेक्शन में भी घूम के आती हूँ। काफ़ी सुंदर सुंदर कलेक्शंस उनके रिवॉल्व होते रहते हैं, ले ना लूँ, चलो देख तो लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी देख लो। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके के सुंदर सुंदर प्यारे वीडियोस मैं आपके लिए लेते आऊँगी। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब दोनों भी कर लिया है तो लॉट्स ऑफ थैंक यू मेरे तरफ से। और चलिए फिर वीडियो को एंजॉय कीजिए, और हाँ, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप भर भर के कमेंट करिए और फिर मैं उनको पढ़ के एंजॉय किया करूँगी। लास्ट वीडियो में मुझे पूछा कि आप बहुत सुंदर कंट्री में रहते हो सिस्टर, तो मैं उन्हीं को आंसर देना चाहूँगी। यस, मैं बहुत सुंदर कंट्री में रहती हूँ, इसका नाम है ब्रुनाई दारुसलाम। जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनके लिए बोल दूँ कि मैं ब्रुनाई दारुसलाम में रहती हूँ अपनी छोटे से फैमिली के साथ। मेरे फैमिली में दो किड्स है और मैं और मेरे हस्बैंड, हम यहाँ ब्रुनाई दारुसलाम में रहते हैं।
एक एक कलेक्शन इतना सुंदर होता है, एक एक बार बस नज़र ही टिक जाती है, ऐसा लगता है ले लूँ, फिर बजट सब कुछ देख के रुक जाती हूँ। चलो सो ये बोलती हूँ, चल नेक्स्ट ट्रेन तुझे ले लूँगी, ये बोल के मन को मना के वापस आ जाती हूँ मैं अपने कपड़ों की शॉपिंग पे। अच्छा चलो मुझे एक बात बताइए, ऐसा किसके साथ होता है जो ग्रॉसरी शॉपिंग जाए या फिर कोई भी शॉपिंग जाए, जहाँ यूटेंसिल्स और क्रॉकरी दिख जाए, लेना हो ना हो, आपका कुछ भी हो ना हो, बस वहाँ जाके भटक के अपना नज़र दौड़ा के या फिर कभी ना तो कभी कुछ अननेसेसरी भी उठा के लेके आ जाते, ऐसा किसके साथ होता है? मेरे साथ तो होता ही है, आपको पता है, आदत से जो मजबूर है। ओके फिर हम वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। इसी उम्मीद पे मैं विदा लेना चाहूँगी आपसे और जल्दी मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।